नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में दिशा की बैठक की दिशा उस वक्त बदल गई जब विधायक ने हंगामा कर दिया। विधायक और जिला अधिकारी के बीच में जमकर बहस हुई। दरअसल पूरा मामला आपदा के तहत गौला नदी में चैनलाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में पोकलैंड लगाकर काम किया जा रहा है, जबकि विधायक ने सिंचाई विभाग को काम किए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। जबकि जिलाधिकारी का कहना था उनके द्वारा वन विभाग को स्वतः या अन्य किसी एजेंसी से काम कराए जाने को लेकर कहा गया था। इस दौरान सांसद अजय भट्ट के सामने ही काफ़ी लंबे समय तक ये बहस चलती रही। अंत में सांसद को कहना पड़ा कि आखिर जिले में ये क्या चल रहा है। बैठक के बाद सांसद इस मामूली सी घटना बताते हुए और टालते हुए नजर आए, जबकि लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अधिकारियों पर जनता के प्रति गंभीर न होने को लेकर सवाल उठाए। अधिकारियों को लेकर विधायक जी की नाराजगी भी यहाँ पे दिखी, अधिकारियों में कुछ बहस भी आपके सामने बैठक में होती दिखी, आपने खुद बैठक को समाप्त कराया? हाँ, छुटमुट बातें होते रहती हैं कहीं पर, मैंने कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सुलझ जाती है। पारिवारिक बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं और उसके बाद जब सुलझ गई, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका लक्ष्य है कि जनता को अधिकात्मक हम अधिक से अधिक जो है उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनकी जो परेशानियां हैं उसका ध्यान रखें। इसीलिए सामंजस्य के लिए ही जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा इसका नाम रखा गया है, यही तो सामंजस्य इसमें होता है। नहीं, जो अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, उन पर तो बहुत खराब कार्रवाई भी होती है। इसलिए छोटी मोटी गलत फहमियों में कोई चीज़ होती है तो वो हो जाता है कि कोई खास बात नहीं। इस तरह की दिक्कतें थी विभागों में आपस में तालमेल न होने की वजह से ये सुरक्षा के कार्य, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप लोगों ने जानकारी ली होगी 10-10 करोड़ एक जिले के और दे दिया है कि किसी भी प्रकार से आपदा कार्यों में, राहत कार्यों में जो बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं उनमें कोताही न बरतें, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और आज तक भी अभी जिन जगहों पर चैनलाइजेशन का काम होना था वहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया, तो इसी को लेकर आज बातचीत हुई है और माननीय सांसद जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सिंचाई विभाग कार्य को करेगा और तुरंत कार्य को करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि कल से कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए कहीं पर इस तरह की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग इस तरह के व्यवहार वाले हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के जनहित वाले कार्य हैं, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा भी अगर कल से भी अगर वहाँ पर राहत बचाव के कार्य शुरू नहीं हुए तो मैं स्वयं अपने खर्चे से कार्य शुरू कराऊंगा। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।